बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है बसेस के ऊपर, सिस्टम बसेस कंप्यूटर में जो यूज़ होती हैं उन बसेस पे आज की वीडियो है। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में, इसलिए मैंने इस पर एक डिटेल लेक्चर बना लिया। और इसके अलावा जो गैस की दूसरी वीडियोज़ हैं, गैस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी। काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। उसमें मैंने सारे गैस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताएँ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बसेस और सिस्टम बसेस की सारी टाइप्स जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। बस क्या है? एक इलेक्ट्रिकल पाथ कह लें जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, जो क्या करता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक डाटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। जैसे हमारी बसेस होती हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, उन बस में जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसेंजर्स के ट्रैवल के लिए यूज़ होती है, मुसाफिरों को लेकर जाती है। और जो सिस्टम बस होती है यानी कंप्यूटर में जो बसेस होती हैं, वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफ़र करवाती है एक कंप्यूटर के पार्ट में से दूसरे पार्ट तक। और जो सारे कंप्यूटर में डिवाइस होते हैं वो इन बसेस के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। और जो सीपीयू है, ताकि सीपीयू जो है वो कम्युनिकेट कर सके सारे डिवाइसेस से, ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो बसेस के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ताकि सीपीयू जो है वो दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सके। अब सीपीयू को किसी दूसरे डिवाइस से कोई काम लेना है, उससे डाटा लेना है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है या उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए वो बसेस को यूज़ करेगा। वो बस के ज़रिए अपना कमांड या अपना जो भी डाटा उसको भेजना है वो सारा जो है वो उस बस के ज़रिए करेगा। फिजिकली खुद तो नहीं जाएगा सीपीयू उसको बताने के मुझे ये चाहिए, वो एक पाथ यूज़ करेगा और वो पाथ होता है बस। इसकी कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ डाटा लाइंस, यानी जितनी नंबर ऑफ डाटा लाइंस होंगी उस पे बस की कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि कितनी बस की कैपेसिटी होगी, यानी वो कितना डाटा जो है एक टाइम में लेके जा सकती है। और इसको हम कहते हैं बस की विड्थ, यानी द अमाउंट ऑफ डाटा डैट कैन अमाउंट ऑफ डाटा डैट ए बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ, यानी एक वक्त में अमाउंट ऑफ जो डाटा है बस लेके जाएगी उसको हम कहते हैं बस विड्थ। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देखें तो 32 लाइन्स है अगर आपकी एक बस के लिए 32 लाइन्स बनी हुई है, इसको आप ऐसे करें जैसे ट्रेन की पटरियां हैं, इसी तरह बस की लाइन्स बनी होंगी, ठीक है। 32 लाइन्स हैं यानी कि वो 32 बिट्स या 4 बाइट्स को है वो ट्रेवल करवा सकती है, वहाँ से लेके जा सकती है। 32 बिट्स उस लाइन में से लेके जा सकती है अगर 32 लाइन्स हैं, और अगर 64 लाइंस है तो 64 बिट्स और 64 बाइट्स को वो एट अ टाइम लेके जा सकती है। और जो इसकी स्पीड है, ये जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट जाने तक की जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं बस की स्पीड। बस की स्पीड क्या आएगी कि वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक मूव करने का कितना उसमें टाइम आ रहा है उसको हम कहते हैं बस की स्पीड है। और इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको हम मेगा हर्ट्स में मेजर करते हैं। यूनिट इसके लिए कौन सा होता है, मेगा हर्ट्स का, और मिलियन ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकंड। तो ये बस की स्पीड जो है वो आपके कंप्यूटर की स्पीड पर जो है इफेक्ट करती है, यानी आपकी बस की कितनी स्पीड है उस लिहाज से आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो भी इफेक्ट होती है। अगर आपकी बस के लिए ज़्यादा लाइन्स हैं यानी कि वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र करेगी, और अगर स्पीड उसकी तेज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कैपेसिटी और स्पीड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डाटा आपका एट अ टाइम को लेकर जा सकेगी, और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो इस तरह आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंप्यूटर की वो इन्हांस होगी। ये थी बसेस का ब्रीफ। उसके बाद आ जाता है सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या है? सिस्टम बस है पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है प्रोसेसर टू मेन मेमोरी, यानी प्रोसेसर से मेन मेमोरी तक इसका कनेक्शन होता है, और इसको हम फ्रंट साइज बस भी कहते हैं, FSB भी कहते हैं। आपका MCQ हो सकता है एक सिस्टम बस को, या सिस्टम बस इज आल्सो नोन एज फ्रंट साइड बस। तो ये इसके आगे से मजीद टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि डेटा बस आ जाती है, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ये भी आपका MCQ हो सकता है कि सिस्टम बस इसकी कितने टाइप्स हैं। 3 टाइप्स होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ये जो आपका सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, यानी प्रोसेसर से मेन मेमोरी तक जो कनेक्शन है,
वो आपका सिस्टम बस के जरिए होता है। सिस्टम बस ये डायग्राम आगे, ये आपके सारे आगे कंपोनेंट्स यानी आपके पार्ट आगे कंप्यूटर के, उसमें सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये कुछ होता है कंप्यूटर में। तो ये हमारी सिस्टम बस बनी हुई है, इसके अंदर तीन बसेस है, कंट्रोल, एड्रेस एंड डाटा बस। ये एरो बने हुए हैं यानी ये सीपीयू से डाटा कंट्रोल बस में आ रहा है, कंट्रोल बस से सीपीयू में जा रहा है इंफॉर्मेशन या डाटा। और यहाँ पे एड्रेस बस में देखें तो जस्ट सिंगल एरो है, यानी कि एड्रेस बस से सिर्फ सीपीयू से डाटा एड्रेस बस में आ रहा है, एड्रेस बस से सीपीयू में नहीं जा रहा। तो डबल जहाँ एरो, इसका मतलब यूनिडायरेक्शनल नहीं है, डबल डायरेक्शनल यानी दोनों तरफ से इसकी डाटा आ और जा रहा है। आगे वन बाय वन देखते हैं डाटा बस। डाटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में डाटा को ट्रांसफर करते हैं इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस लेता है मेमोरी टू सीपीयू तक एग्जीक्यूशन के लिए, यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेता है और सीपीयू को देता है ताकि उस पर एग्जीक्यूशन कर सके। और इट ऑल्सो ट्रांसफर डाटा मेमोरी से ये डाटा आईओ डिवाइसेस तक भी पहुंचाता है, आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी देता है ये डाटा ताकि उसमें इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो सके। तो डेटाबेस क्या करता है, आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स तक जो है डाटा को ट्रांसफर करता है, जिसमें आ गया मेमोरी से सीपीयू तक जाना और मेमोरी से आईओ डिवाइस, पैराफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है उन तक डाटा को ट्रांसफर करना। उसके बाद आ जाता है एड्रेस बस। एड्रेस बस इज यूज टू कनेक्ट द सीपीयू विद मेन मेमोरी टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एड्रेसेस इन मेन मेमोरी। एड्रेस बस क्या करता है, कनेक्ट करता है सीपीयू को मेन मेमोरी से ताकि वो पर्टिकुलर जो एड्रेसेस है मेन मेमोरी में उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, एड्रेस बस है, नेम से ही पता चल रहा है कि एड्रेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो एड्रेस लोकेशन है खास जो चाहिए सीपीयू को, तो वो सीपीयू और मेन मेमोरी को कनेक्ट करता है आपस में ताकि जो भी पर्टिकुलर एड्रेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था, तो जो एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक तरफ उसकी जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि अगर वो सीपीयू से इंफॉर्मेशन ले रही है तो वो एड्रेस बस तक, सीपीयू से एड्रेस बस तक जा रही है, एड्रेस बस से सीपीयू में नहीं जाती, यूनिडायरेक्शनल होती है। ये सिर्फ कैरी करती है इन्फॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये जो मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस होते हैं मेमोरी लोकेशन की, कि कौन सा डाटा कहाँ है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, किस लोकेशन पे है मेमोरी की, वो सीपीयू से लेती है और मेन मेमोरी में जाके देती है। तो ये एड्रेस बस का काम है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स, अच्छा कंट्रोल बस जो है वो डिफरेंट कमांड्स को ट्रांसमिट करती है, एक कमांड को दूसरे जो भी कंपोनेंट है उस तक जो है वो कमांड को ट्रांसफर करती है। एग्जांपल में देखें तो अगर सीपीयू चाहता है कि रीड डाटा, कि वो डाटा रीड करे मेन मेमोरी से, डाटा रीड करना चाहता है, तो कंट्रोल बस के जरिए कमांड भेजेगा मेमोरी को कि वो मेमोरी से डाटा को रीड करना चाहता है। तो इस तरह फिर ये जो कंट्रोल बस है वो काम करती है। कंट्रोल बस टू सेंड द मेमोरी रीड कमांड टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को भेजेगा कमांड कि वो मेमोरी से डाटा को रीड करना चाहता है। तो ये कंट्रोल बस का काम होता है, यानी कंट्रोल बस को यूज करेगा सीपीयू ताकि वो कमांड्स भेज सके। उसके बाद कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स, यानी कंट्रोल बस एक तो कमांड्स भेजती है, दूसरा वो एक सिग्नल्स भी भेजती है जिनको हम एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स क्या, यानी कि अगर उसने मेमोरी से डाटा रीड किया उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा कि मेरा ये जो काम था ये हो गया, इस तरह के जो सिग्नल्स हैं वो भी कंट्रोल बस जो है वो ट्रांसमिट करती है। अ कंट्रोल सिग्नल कंटेन्स, अच्छा कंट्रोल सिग्नल में दो किस्म के सिग्नल्स आ जाते हैं, एक है टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा है कमांड सिग्नल। तो जो कंट्रोल बस है वो एक तो कमांड्स को ट्रांसमिट करती है, दूसरा वो सिग्नल्स को करती है। कौन कौन से सिग्नल, एक तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स होते हैं उसमें, तो ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल सिग्नल्स में क्या क्या चीजें आ जाती है, एक टाइमिंग इन्फॉर्मेशन और एक कमांड सिग्नल। तो ये जो है ये कंट्रोल बस का काम है, कमांड्स देना, ठीक है, मतलब कि अगर वो रीड करना चाहता है डाटा तो वो कमांड भेजेगा मेन मेमोरी को। इस तरह के जो कमांड्स हैं या सिग्नल्स जो है वो कंट्रोल बस के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में, या तो सारा ही पूछ लिया जाता है या एक टॉपिक जैसे एड्रेस बस हो गई या सिस्टम बस हो गई, या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो इस
को जरूर आप देखिएगा। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके आपने देखना है, अच्छे से टॉपिक को समझ के इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।